हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना के विक्रम इलाके में दोपहर दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली। एक महिला ने अपने दो बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली। तीनों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना विक्रम थाना पुलिस को दी है। थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और फिर महिला और दोनों बच्चों के शव को कुएं से निकाला गया है। अगली खबर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए को जल्द ही बाय बाय करने वाली है। साथ ही बिहार की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन भी करने जा रही है। इस बारे में बताया गया है कि चिराग पासवान की पार्टी को आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिला है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में लोजपा को राजद की तरफ से 5 से 6 सीट दिए जाने का ऑफर दिया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी उनके साथ गठबंधन करे। गठबंधन के तहत ही एमएलसी चुनाव लड़े, ताकि सदन में भाजपा और जदयू गठबंधन को कमजोर किया जा सके। इस विषय पर राजद और लोजपा के प्रदेश स्तर के लोग लगातार संपर्क में हैं। अगली खबर, वैशाली में 9 जिंदा बम बरामद। वैशाली में जावाज गांव में एक बगीचे में 9 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। लकड़ी चुनने वाले बच्चों की नज़र एक बोरे पर पड़ी। बच्चों ने बोरे को खोदकर देखा। इसके बाद आसपास के लोगों को इस बारे में बताया। मामला महनार थाने के महिंदवाड़ा पंचायत का है। स्थानीय लोगों ने बम मिलने की सूचना पुलिस को दी है। इसके बाद महनार थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, भाजपा के युवा चेहरा ऋतुराज सिन्हा को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। देश के 5 नेताओं को भाजपा ने राष्ट्रीय प्रभार दिया है, जिसमें ऋतुराज का भी नाम है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके सिन्हा भाजपा के अहम चुनावी रणनीतिकारों में शामिल हैं। चुनाव के समय इन्हें शामिल अमित शाह के नवरत्नों को भी शामिल किया गया था। अगली खबर, 6 इंजीनियर दोस्त अपने दोस्त की शादी में पटना आए। इनके कमरे से एक बोतल शराब मिली। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार सीमा के अलावा 5-6 जिला की सीमा पार कर शराब पटना कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या इन सभी जिलों के एसपी निकम्मे हैं? अगर बिहार में शराब मिलती है तो इसके सबसे बड़े गुनाहगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने चाहिए। माफिया और सप्लायर पर कोई कार्रवाई नहीं। राजद ने यह प्रतिक्रिया ट्विटर के माध्यम से दी है। अगली खबर, आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव और भी बढ़ेगा। बिहार में 30 दिन आगे बढ़ सकती है ठंड। पिछले साल की तुलना में अब तक सर्दी कम, दिसंबर में बढ़ जाएगी ठंड। आपको बता दें कि ठंडी व बर्फीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए मैदानी हिस्सों में पहुंचेगी, जिसमें गलन के साथ ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बिहार में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तक बिहार ठंड के मामले में 2020 से काफ़ी पीछे चल रहा है। 2020 में ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में पटना में रात का तापमान 9 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन 2021 में अब तक 14 पर आज पहुंचा है। अगली खबर, छपरा की बेटी सविता महतो ने एक कीर्तिमान बनाया है। 173 दिनों में 29 राज्यों का साइकिल से भ्रमण कर उन्होंने बेटी बचाने का संदेश दिया। यह यात्रा उन्होंने पिछले वर्ष की है। अभी वह माउंट एवरेस्ट को 2022 में फतह करना चाहती है, लेकिन इसमें उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। सविता ने कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन से मदद मांगी है। मंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। पानपुर के चौहान महतो की पुत्री सविता ने जम्मू कश्मीर से यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद दक्षिण केरल, तमिलनाडु पहुंची, फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में गई। अंत में सिक्किम होते हुए 18 जुलाई 2017 को पटना पहुंची। रास्ते में सभी जगहों पर एक एक दिन बिताया। इस अवधि में उसने 12,500 किलोमीटर से अधिक तक सफर किया है। अगली खबर, बिहार में विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को हटाने की मांग के साथ ही अब एक और मुद्दा जोड़ेगी। किसानों के लिए मंडी नहीं है बिहार में, इसके लिए बिहार में आंदोलन होगा। आरजेडी और माले ने बिहार में किसानों से जुड़े मुद्दे तेजी से उठाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आंदोलन की रणनीति भी बन रही है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बिहार में मंडियों की बहाली और मक्का दलहन सहित तमाम फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग यह हमेशा करते रहे। बिहार सरकार ने धान गेहूं की खरीद में छोटे किसानों के सामने अनेक तरह की दिक्कतें खड़ी कर रखी है और बिहार सरकार ने इन मुद्दों पर अब तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया। अगली खबर, इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करेगी। भारत की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे इस अपग्रेड से एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाईली कैपेबल मिसाइल
लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत होगी। भारत को फ्रांस की तरफ से कुल 30 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं, इनमें से 3 और विमान दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भारत पहुंचेंगे। अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राज्यवाल और जतिंदर सिंह बिर्क ने बताया कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है, 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे, 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा। राज्यवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब सरकार से बातचीत की अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री का ऐलान अभी स्वागत के लायक नहीं है, क्योंकि अभी कानून रद्द करने का सिर्फ ऐलान ही हुआ है। अगली खबर, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पान मसाला कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अपना ऐड प्रसारित होने से रोकने की मांग की है। एक्टर पिछले कई सालों से इस कंपनी के ऐड में नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिछले जन्मदिन पर इस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद लगातार ऐड का प्रसारण किया जा रहा। ई टाइम्स ने अपने करीबी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अमिताभ बच्चन के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक कमला पसंद कंपनी को अपने टीवी कॉमर्शियल ऐड की ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है और इसे अब टीवी पर प्रसारित करने को नहीं कहा गया है। अगली खबर, नवंबर महीने में कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रुक जाएगी। इसके अलावा अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का खास होम लोन ऑफर इस महीने खत्म हो रहा है, और लाइफ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जमा करें जिससे कि आपका पेंशन न रुक जाए। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।